नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। आपके साथ मैं हुराशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। मुख्य सचिव व डीजीपी आज अयोध्या के दौरे पर पहुंचे, जहां दोनों ने ही हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन करने के बाद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही निर्माणाधीन राम मंदिर स्थल का भी निरीक्षण किया। तो वहीं दर्शन पूजन के बाद मुख्य सचिव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया और मरीजों से उनका हालचाल लिया। कोविड 19 को लेकर वैक्सीनेशन बढ़ाने के निर्देश। उसके बाद मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा व डीजीपी मुकुल गोयल ने गांधी सभागार में अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान रामनगरी अयोध्या पहुंचे मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर व हनुमानगढ़ी की सुरक्षा व्यवस्था देखी गई। अयोध्या में जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, उसके तहत आधुनिक सुरक्षा भी जरूरी है। अयोध्या की सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए डीजीपी के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी को करीब से देखा, सारी व्यवस्था की गई। अयोध्या एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में विकसित हो रहा। देश व विदेश से बहुत लोग अयोध्या पहुंचेंगे। जो लोग अयोध्या पहुंचेंगे उन्हें फुल प्रूफ सुरक्षा देने के लिए खाका तैयार हो रहा है। तो वहीं होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बूथ स्तर तक तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य सुरक्षा व्यवस्था कैसे बिल्कुल चुस्त दुरुस्त रख सके, जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, जो नई विकास हो रहा है अयोध्या का, उसको लेकर के किस प्रकार के सुरक्षा को पूरी तरीके से पुख्ता बनाई जा सके, इसको हमने हनुमानगढ़ी का जो हनुमान जी का मंदिर है उसको भी देखा और राम जन्मभूमि को भी देखा, बहुत नज़दीक से देखा और उसके बाद उसकी सारी व्यवस्था का हमने समीक्षा किया। उसमें क्या हमने बातें की वो तो हम नहीं आपसे चर्चा कर सकते, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि इतना एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर ये पूरा विकसित हो रहा है, जहाँ पे देश विदेश से बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे। तो जो लोग इतने सारे लोग आएंगे उनको एक नॉन ऑब्ट्रूसिव प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम हो, जिससे कहीं किसी को तकलीफ भी न होने पाए और पूरा का पूरा ऐसी व्यवस्था हो कि कहीं कोई किसी प्रकार की गलत एक्टिविटी न होने पाए, हर तरह से पूरी सुरक्षित। इसके बारे में चर्चा की और इसके ऊपर हम लोग आगे की कार्रवाई करें। इसके बारे में देखिए, जब आपका ये शहर जब नया डेवलपमेंट हो रहा है, एक नए शहर का डेवलपमेंट, एक नए तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, सड़कें चौड़ी की जा रही हैं, आपको अपने हर तरह की व्यवस्था जब बन रही है तो उस व्यवस्था में इस बात को भी देखेंगे। मैंने ये चर्चा की जब इसको डेवलपमेंट का रिव्यू कर रहा था कि जो हमारा जो डेवलपमेंट हो, उस डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट को यानी ट्रांजिट को उसके साथ जोड़ करके देखा जाए। सर नया पता यार चुनाव को लेकर के हमारी सारे की सारी बूथ स्तर तक ये चैलेंज है वो, पर उस चैलेंज को हम पूरी तरह से उसको करने के लिए तैयार हैं। डीजी साहब है कि सारी हमारी ऑलरेडी कल हमें 225 पुलिस की बने पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनी हमें मिल गई है और वो हमें पहले सबसे पहले उनको सेंसिटाइज करने के लिए, सारी जगह को देखने के लिए ऑलरेडी 225 कंपनी मिल चुकी है। भारत सरकार से हमें पूरा का पूरा पूरी सहायता इसके लिए मिलेगी और एक बार हम इम्यूनाइज कर लेंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस देंगे और पूरा प्लानिंग उनके साथ जो आते ही जिस दिन मैं ज्वाइन किया उसी दिन चुनाव आयोग के जो तीनों हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त थे उनके साथ चर्चा हुई, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी हर एक बूथ के बारे में, वो भी पूरा रिव्यू कर रहे हैं कि हर बूथ पे किसी को कोई तकलीफ ना हो, वहाँ पे पीने का पानी भी हो, बिजली की सुविधा भी हो, वहाँ पे रैम भी बना हो जिससे अगर कोई आए, और जो लोग हमारे अक्षम है जिनको किसी प्रकार की तकलीफ है उनको घर पे जा करके उनको वोटिंग